दिन है वो मनाते हैं, जो हज़रत उस्मान का दिन है वो मनाते हैं, जो हज़रत गौस पाक का दिन है वो मनाते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तान हिंद सरकार का दिन मनाते हैं, मगर इनमें कोई भी ऐसा नहीं है जो दोषे रसूल का शासवान, वो खुदा की कायनात में सिर्फ एक ही है। तो आज आपने जज्बा इसार और मोहब्बत के साथ तमाम अपने मजहबी पेशवाओं के दास्तान दर्द दिल को सुनना है और भरपूर तरीके से खिदमत करनी है। आज साहबजादा हामिद रज़ा साहब मद्दा ज़िलाउल आली के छोटे भाई साहब तशरीफ लाए हुए हैं, उनका बयान भी होगा और वो भी हमारे एक बड़े नाजुक और मोज़ज़ मेहमान हैं। आपको शायद ये बात इत्तला के तौर पर मालूम हो कि न हो, पाकिस्तान बनने के वक्त सिर्फ उलमाए देवबंद का नाम बोलता था, बाकी किसी ज़ुमरा है उलमा का नाम नहीं बोलता था। हज़रत मौलाना सरदार अहमद साहब मदरस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह की बरकत से एक ऐसा मदरसा कायम हुआ जिसका नाम है जामे रज़विया। उसने पाकिस्तान भर में आले सुन्नत वल जमात को ख़ुद कफील बनाया है। आप पूरे मुल्क में जितने अच्छे मुनाज़र हैं, जितने अच्छे मुकर्रर हैं, जितने अच्छे राइटर हैं, ये बिलवास्ता या बिला वास्ता उसी के सिलसिला तालीम से ताल्लुक़ रखते हैं। जब हम पाकिस्तान से पहले मैं तालिबे इल्म बना तो उस वक्त पंजाब में एक पीर वलायत अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जो सैयद अहमद हुसैन साहब साहब के त्रिमजी के दादा मुकर्रम थे, एक उनके मदरसे का नाम था, एक इछरे वाले मौलाना मीर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह के मदरसे का नाम था, बाकी किसी न मदरसे का कोई वजूद था ना नाम था। अगर देवबंदियों से या दूसरे लोगों से किसी ने मनवाया है कि किसी का इल्म है तो वह जामे रज़विया की बरकत से, और दूसरे जो झूठे मूठे मदारस चलते थे उन मदारस ने जहाँ आलिम पैदा किए वहाँ शिये भी पैदा किए हैं, लेकिन जामे रज़विया की ये खसूसियत है वहाँ पढ़ने वाला कोई बंदा ना शिया हुआ ना वहाबी हुआ। जो अंदरूनी तालीम किसी को देते रहे ना उसकी वजह से शिया बने और वो आज तक वो तारीख मौजूद है। तो इसलिए आपने लालपुर शरीफ से तशरीफ लाए हुए साहबजादा साहब की भी खिदमत अच्छी तरह से करनी होगी और दिली तौर भी इज्जत भी करनी होगी। उस मदरसे की इमदाद करना असल में आले सुन्नत वल जमात के सबसे बड़े मदरसे की इमदाद है। अगरचे सैयद अहमद सईद साहब काजमी मुल्तान शी वाले बहुत लायक फायक आलम दीन थे, मगर उनका जो अपने वक्त में मदरसा था तकरीबन को 6 मरले का था, उन्होंने बड़ा काम किया, अच्छे मदरस पैदा किए हैं, लेकिन जिसने हर पहलू पर बोलने वाले लिखने वाले मुनाजरे करने वाले डट के काम करने वाले मदरसे कायम करने वाले जिस आदमी ने पैदा किया वो जामे रज़विया मौला सरदार अहमद साहब मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान की मुकद्दस हस्ती थी। अल्लाह उनकी कब्र मुनव्वर रखे, उनके आल औलाद को अल्लाह ताला तरक्की अता फरमाए।